वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्यास नारायण मिस आज हम डिस्कस कर रहे हैं एमएससी फाइनल और बीएससी फाइनल का जो एक टॉपिक है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फर्मी गोल्डन रूल क्वांटम फिजिक्स का है तो हम ये मान के चलते हैं कि एक अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है एच जीरो जिसमें किसी तरह का कोई पर्टरवेशन नहीं होता पर्टरवेशन का मतलब होता है इनर्जी चेंज तो अनपर्टेड हैमिल्टोनियन का मतलब एक ऐसा है, हैमिल्टोनियन या एक ऐसा टोटल इनर्जी जिसके इनर्जी में कोई चेंज नहीं है और वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है इस केस पर जो हम ट्रांजिशन लेते हैं तो एक हम इनर्जी लेवल ले लेते हैं ई के और ई के प्लस डी ई के ये इनर्जी इंटरवल है इन दोनों इनर्जी इंटरवल के बीच में हम ट्रांजिशन देखते हैं कि ट्रांजिशन क्या होता है अभी यदि हमने ये मान कंसीडर कर लिया कि माना कि जो इनर्जी डेंसिटी है इस केस पे वो कितना है रोके कितना है इनर्जी डेंसिटी कितना है रोके इस स्टेट में तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है पर यूनिट टाइम में उसको हम इस फार्मूले से एक्सप्लेन करते हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये ओमेगा इक्वल टू है वन टी इंटीग्रेशन ए के डैश टी का होल स्क्वायर रो के डी ई के जहाँ पर जो रो के है ना ये एक जो है तो दिए हुए एनर्जी इंटरवल में जो फाइनल स्टेट है उसकी संख्या रिप्रेजेंट करता है उसका नंबर बताता है मतलब ये फाइनल स्टेट की एनर्जी डेंसिटी को जैसे एक एनर्जी हो गया ई के और दूसरी एनर्जी हो गया ई के प्लस डी ई के तो ई के प्लस डी ई के ये फाइनल एनर्जी स्टेट है तो फाइनल एनर्जी स्टेट का ये इनर्जी डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है रोके अब यहाँ पर यदि हम कंसिडर करें कि जो टाइम टी है वो काफ़ी लार्ज है तो इस केस में जो प्रोबेबिलिटी कर्व का जो सेंटर पीक होगा वो काफ़ी शार्प होगा और इस केस पे जो क्वांटिटी के एच डैस एम है जो कि एक तरह की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि माना ये टाइम पे एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है अब हम इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जाएगा ओमेगा इक्वल टू वन अपॉन टी इंटीग्रेशन लिमिट है माइनस इन फाइनाइट से प्लस इन फाइनाइट फोर के एच डैश एम ये ब्रा एंड किट के, के फॉर्म में लिखा है इनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में इसका स्क्वायर है अपान ओमेगा स्क्वायर के एम एच क्रास स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पर जो ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पर भी आप ओमेगा में ओमेगा के एम लिख सकते हैं ओमेगा के एम टी अपॉन टू रो के डी ई के अब यदि इसमें हम पूरे रिप्लेसमेंट करें तो के एच डैश एम का होल स्क्वायर और रोके ये क्या है आपका रोके एनर्जी डेंसिटी है इसको इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे एच क्रास स्क्वायर और टी को भी तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट फोर साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी अपॉन टू एच क्रास डी ओमेगा के एम ओमेगा पर जो डी ए डीई के दिया हुआ है इस केस में ई के इक्वल टू हो जाएगा ई के माइनस ई एम इक्वल टू एच क्रास डी ओमेगा के एम ई के जो है फाइनल एनर्जी स्टेट है और ई e एम जो है इनिशियल एनर्जी स्टेट है तो जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ओमेगा इक्वल टू के एच डैश एम होल स्क्वायर के अपान एच क्रॉस टी इंटीग्रेशन प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर ओमेगा के एम टी अपान टू ओमेगा के अपान ओमेगा के एम अपान टू का होल स्क्वायर डी ओमेगा के एम अब ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर एक्स अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू होती पाई तो इस तरह से हम जो ये, ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है ये वाला पार्ट जो दिया है इसको हम जब इससे कंपेयर करेंगे तो चूंकि अपान टू लिखा हुआ है तो इस केस में ये हो जाएगा आपका ओमेगा इक्वल टू के एच डैश एम होल स्क्वायर रो के अपान एच क्रास टी और इसकी वैल्यू हो जाएगी टू पाई इंटू टी कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी टू पाई इंटू टी टी क्यों हो जाएगी क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें लिखा है साइन स्क्वायर एक्स जो यहाँ एक्स है वो यही यहाँ यहाँ एक होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे टी लिखा हुआ है इसलिए हमें यहाँ टी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड के रूल से ऊपर टी आ जाएगा इस फार्मूले में टू ऑलरेडी है स्क्वायर के फॉर्म में है तो इस तरह से टू पाई टी टी से ये टी से ये टी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो रिजल्टेंट बचेगा वो बचेगा टू पाई अपॉन एच क्रॉस रो के, के एच डैश एम का होल स्क्वायर इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि टाइम डिपेंडेंट पर्टरवेशन थ्योरी के लिए है इसे ही फर्मी गोल्डन रूल कहते हैं है ना फर्मी गोल्डन रूल का फार्मूला यही होता है टू पाई एच अपू पा, पाई अपान एच क्रॉस रो के एच डैश एम का होल स्क्वायर अगर इसमें हम एक के की जगह के जे इंटीजर जे क्या है डिफरेंट स्टेट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव अगर हम एक डिफरेंट स्टेट के लिए जे इक्वल टू वन टू थ्री इस तरह से इंट्रोड्यूस करें तो जो परमी गोल्डन है वह बन जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो वन जे क्या है यहां पर फाइनल स्टेट है तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो फाइनल स्टेट्स है एनर्जी का वो काफ़ी स्प्रेड हो जाता है और इसमें अनसर्टेंटी रिलेशन का यूज हो जाता है तो ये है इम्पोर्टेंट आपका फर्मी गोल्डन्स रूल्स कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच